107 पॉइंट नीचे, लगभग 0.06% लॉस के साथ। तो यहाँ हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग देखा है। कल की जो शॉर्ट कवरिंग रैली थी उसके बाद में रिट्रेसमेंट आना था, तो वो आ चुका है। अभी देखते हैं वीकली चार्ट पे कैसे दिख रहा है। तो वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो कि हम लॉस के साथ ट्रेड कर रहे हैं, अभी लगभग 70 पॉइंट नीचे। यह फ्लैट नेगेटिव ट्रेड कर रहा है लास्ट टू वीक के बाद। ये जो वीक है ये हमने थोड़ा सा निफ्टी में रिट्रेसमेंट होते हुए देखा है। अभी तक वीक खत्म नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि हम जो है तो ऊपर के लेवल देख सकते हैं 17,650 के, तो उसके लिए लॉन्ग पोजिशन बनाएंगे हम। बाय ऑन डिप्स स्ट्रेटेजी रहेगी हमारी, मगर ये हमें स्टॉप लॉस के साथ करना होगा। और यहाँ जो है तो ऑन न्यूज़ फ्लो वोलेटिलिटी बढ़ सकती है, तो वहाँ स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो सकता है। तो ये बहुत ही हाई रिस्क लॉन्ग पोजिशन रहेगी, मगर मेरा जो व्यू रहेगा मार्केट पे वो लॉन्ग साइड ही रहेगा विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अभी देखते हैं डेली चार्ट पे क्या पिक्चर दिखता है हमें। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि हमने जो है तो अच्छा खासी शुरुआत की थी। आज फ्रेश नया हाई लगाया था शॉर्ट टर्म हाई लगभग 17,460 के अराउंड। वहाँ से जो है तो अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली हमें। तो मार्केट ने ट्राई किया तो ऊपर जाने का, मगर ऊपर से अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है। तो यहाँ जो है तो ये वोलेटिलिटी आपको कई दिनों तक आगे चल के देखने को मिलेगी। तो ये जो है तो ये नॉर्मल रहेगा मार्केट में। तो ये आपको उसके हिसाब से आपको आपकी पोजिशन साइजिंग वो एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ मेरा फिल भी जो टारगेट है वो ऊपर की तरफ ही रहेगा। मेरा जो टारगेट रहेगा वो 17,550, 17,650। तो उसके लिए हम लॉन्ग पोजिशन बनाएंगे। यहाँ हमारा बाय ऑन डिप्स व्यू रहेगा। नीचे जो सपोर्ट दिख रहे हैं मुझे वो है लगभग 17,200 और 1,700 के। तो इन 1,780 का सपोर्ट है, तो ये दो सपोर्ट जोन है। तो जिन्हें छोटा स्टॉप लॉस रखना है तो उन्हें स्टॉप लॉस रखना होगा 17,200 के नीचे। जिन्हें डीप स्टॉप लॉस रखना है उनको स्टॉप लॉस रखना होगा 17,080 के नीचे। तो ये दो स्टॉप लॉस लेवल है। जिन्होंने आज लॉन्ग पोजीशन ली होगी और जिन्हें ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी मार्केट में, तो उनके लिए छोटा स्टॉप लॉस 17,200 के नीचे। अगर आपको बड़ा और डीपर स्टॉप लॉस रखना है तो आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 17,080 के नीचे। और यहाँ मेरा लॉन्ग व्यू रहेगा ऊपर जो है तो 17,550, 17,650 ये टारगेट हम इस वीक के लिए एक्सपेक्ट करके चलेंगे। अभी आवरली चार्ट पे देख सकते हो आप, हम जो है तो यहाँ हमने पिछले वीक का जो हाई था उसको क्रॉस किया, मगर वहीं से ही अच्छा खासा प्रॉफिटिंग जो है या फिर सेलिंग प्रेशर मार्केट पे हावी रहा। और बाद में जो है तो उसने 20 आवर का जो एवरेज है उसके अराउंड जो है तो सपोर्ट लेना शुरू किया है। तो कल के लिए ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि हम जो है तो ये 20 आवर का एवरेज है इसको होल्ड कर पाते हैं नहीं। अगर उसके नीचे कंटिन्यूसली ट्रेड करते हैं तो हम डीपर करेक्शन देखेंगे जिसका टारगेट रहेगा 17,080, और हो सकता है कि हम 16,850, 16,900 की भी लेवल हमें देखने को मिले। तो यहाँ वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, मगर फिर भी मेरा जो व्यू है वो लॉन्ग साइड ही रहेगा। और हम जो है तो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करेंगे। इसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, मगर आई विल बी सिटिंग ऑन लॉन्ग साइड, क्योंकि मुझे जो बाकी के प्राइस पैटर्न और वीकली चार्ट पे जो प्राइस पोजीशन है उसके वजह से लगता है कि मार्केट जो है तो कभी भी रिवर्स हो सकता है। और वो ऑलरेडी हम कल देख चुके हैं कि किस तरह से मार्केट में रिवर्सल आता है। तो यहाँ स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग बैठना मुझे आई विल प्रीफर, और यहाँ जो है तो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट फॉलो करना है आपका। अगर छोटा स्टॉप लॉस तो 17,200 के नीचे, अगर आपको डीपर स्टॉप लॉस चाहिए तो 17,080 के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और यहाँ हम एक्यूमुलेशन की स्ट्रेटजी फ्यूचर पे ले सकते हैं। ऊपर जो है तो 17,550, 17,650 ये जो टारगेट है ये मुझे आने वाले 2 से 3 सेशन में देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ आई विल प्रीफर लॉन्ग साइड। ऑप्शन ट्रेडर जो है तो उनके लिए सलाह रहेगी कि 17,200 का जो कॉल ऑप्शन है उस पर फोकस कीजिए, उसको डिप्स पे बाय कीजिए। सेम स्टॉप लॉस आपको जो है अगर छोटा स्टॉप लॉस रखना है तो 17,200 के नीचे अगर फ्यूचर स्लिप करता है तो उस कॉल ऑप्शन में से निकल जाइए। अगर आपको डीपर स्टॉप लॉस चाहिए तो 17,080 का जो स्टॉप लॉस है वो फॉलो कीजिए। और अगर हमारे जो टारगेट आते हैं 17,550 और 17,650 के, तो हमें उस ऑप्शन में जो है तो 2x प्लस गेन देखने को मिल सकते हैं। तो हम 17,200 का जो कॉल ऑप्शन है एट द मनी उस पर फोकस करेंगे। और यहाँ वोलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी, थोड़ा सा मार्केट जो है तो अनस्टेबल कंडीशन की तरफ जा रहा है। तो यह आपको वाइल्ड मूव्स और जो टेक्निकल है वो भी इतना डिफाई करते हुए मार्केट नहीं दिखेगा, तो थोड़ा सा ट्रेडिंग जो है तो बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है आने वाले समय में। बट आपको जो है तो एक साइड चूज करनी पड़ेगी
एंड आई विल चूजिंग लॉन्ग साइड विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। आज भी हमने विक्स में जो है तो लगभग 3% के गेन देखे, तो यही बता रहा है कि मार्केट जो है तो बहुत ही अनस्टेबल है, न्यूज़ फ्लो को वो जो है तो रिएक्ट कर रहा है, और यहाँ जो है तो जैसे न्यूज़ फ्लो आएगा उस तरह से जो है तो मार्केट की डायरेक्शन रहेगी उस दिन के लिए। अभी यहाँ से जो है तो थोड़ा सा अनस्टेबल मार्केट रहेगा, और इसीलिए जो छोटे ट्रेडर हैं उन्हें सलाह रहेगी कि मार्केट से दूर रहिए या फिर वेट एंड वॉच मोड या फिर स्टॉक में जो है तो इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि आपको जो है तो अच्छे खासे बहुत सारे स्टॉक जो है तो अच्छे खासे लेवल पे मिल रहे हैं, तो उस पे भी आप फोकस कर सकते हो। तो आई होप सो कि जो एनालिसिस है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे साथ लाइव मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो विद लाइव मार्केट सपोर्ट एंड फॉलोअप तो मेरी सर्विस ज्वाइन कीजिए, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.